हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी फ्रेंड्स। आज हम जिस रिक्रूटमेंट की बात करेंगे वो ड्राइवर के पदों पर यहाँ पर सीधी भर्ती आई हुई है। और अगर आप 10वीं पास है यानी कि अगर आपने मैट्रिकुलेशन पास किया हुआ है तो आप इसमें आवेदन भी कर पाएंगे और आपकी कोई इसमें लिखित परीक्षा नहीं होगी, कोई आपका इसमें इंटरव्यू भी आपका नहीं रहेगा। और इस वैकेंसी की जो सबसे बड़ी बात रहेगी, इसमें कोई आपका एप्लीकेशन फ़ीस भी नहीं होगा, यानी कि अगर आप इसमें किसी भी कैटेगरी से आवेदन करना चाहते हैं तो आप फ्री में आवेदन कर पाएंगे। और फ्रेंड जो इसके आवेदन है वो स्टार्ट हो चुके हैं, तो आज मैं स्टूडियो में इस वैकेंसी के बारे में आपको फुल डिटेल के साथ बताऊंगा, प्लस आपको उसको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बताऊंगा, प्लस आपको ये भी बताऊंगा किस प्रकार से आपको अपना आवेदन फिल करना होगा। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। लेकिन इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारी वेबसाइट पर आना चाहते हैं तो मैंने इसका लिंक आपको वीडियो के फर्स्ट कमेंट में दिया हुआ है। जैसे आप कमेंट बॉक्स में जाएंगे तो आपको वहाँ पर एक लिंक मिलेगा, अगर आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो आप इस वेबसाइट पर विजिट हो जाएंगे। फ्रेंड्स, का रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन नेम रहेगा वो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर की ओर से नोटिफिकेशन जारी हुआ, यानी कि इसकी ओर से भर्ती चलेगी। और फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। अब देखें फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर टोटल पोस्ट मिलेगी, 150 पोस्ट मिलेगी टोटल। जो पोस्ट नेम है तो आपको यहाँ पर ड्राइवर के लिए यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है, जो उसका पे स्केल रहेगा यानी कि जो आपको उसमें पहली सैलरी दी जाएगी 11,500 रुपये पर मंथ आपको यहाँ पर पहली सैलरी दी जाएगी, आगे आकर ये बढ़ा दी जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड जो आज क्वेश्चन होगा ये आपकी स्क्रीन पर, प्रधानमंत्री मोदी कौन सी लोकसभा के पीएम हैं? ए 16वीं, बी 17वीं, सी 15वीं, डी इनमें से कोई नहीं। जो भी आपको इसका राइट आंसर लगाओ नीचे यार कमेंट बॉक्स में प्लीज यार इसका आंसर जरूर देकर जाना। फ्रेंड्स, अगर हम इसके एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो सभी कैटेगरी के लिए यानी कि अगर आप जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी किसी भी कैटेगरी से आवेदन करना चाहते हैं तो आप इसमें फ्री में आवेदन कर पाएंगे। अगर फ्रेंड्स हम इसके एज लिमिट की बात करें तो अगर आपके जो 18 ईयर से लेकर 40 ईयर के बीच में है तो आप इसमें आवेदन भी कर पाएंगे। अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट है तो आपको 5 ईयर की छूट मिलेगी, अगर आप ओबीसी कैंडिडेट है तो आपको उसमें 3 ईयर की छूट भी दी जाएगी। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो यार प्लीज़ एक लाइक जरूर करना, अगर आप कमेंट डिसलाइक करने का है वो भी आप कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स हम इसका सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो केवल और केवल आपका इसमें ड्राइविंग टेस्ट होगा, यानी कि इसमें आपकी कोई लिखित परीक्षा और कोई इंटरव्यू भी आपका नहीं होगा। अगर फ्रेंड्स हम इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो कम से कम अगर आप 8वीं पास है तो आप इसमें आवेदन भी कर पाएंगे, अगर आपने 10वीं और 12वीं भी किया हुआ है तो आप यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट वो भी दे सकते हैं और आप उनके लिए भी एलिजिबल रहेंगे, यानी कि अगर आपने 8वीं, 10वीं, 12वीं कुछ भी किया हुआ है तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे, लेकिन कम से कम 8वीं पास तो आपको होना अनिवार्य है। अगर फ्रेंड्स हम इसकी इंपोर्टेंट डेट की बात करें, 16 अगस्त 2019 से स्टार्ट हो चुका है, जो लास्ट डेट रहेगी सबमिट करने के लिए 24 सितंबर 2019 से पहले आपको आवेदन कर लेना, यानी कि इसकी लास्ट डेट 24 सितंबर 2019 रहेगी। अप्लाई मोड जो रहेगा ऑफलाइन मोड से आपको इसमें आवेदन करना होगा, और जो मैं आपको फॉर्म बताऊंगा फिल करने के बाद आपको इस वाले एड्रेस पर सेंड करना होगा। अगर फ्रेंड्स आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर आना होगा सम इम्पोर्टेंट लिंक्स, आने के बाद आपको यहाँ पर जहाँ पर लिखा हुआ एप्लीकेशन फॉर्म आपके इसी के सामने क्लिक है, आपको यहाँ से इसका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके फिल करना होगा। और फ्रेंड्स अब से पहले मैंने एक वीडियो और बनाया हुआ है किस प्रकार से आपको अपना आवेदन फिल करना होगा, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार आपको वहाँ से विजिट करके वो भी देख लेना है अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं। उस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है किस प्रकार से आपको आवेदन करना होगा। अगर फ्रेंड्स आप इसको ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर जहाँ पर लिखा हुआ ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। अगर आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा, तो हमें करना है एप्लीकेशन फॉर्म, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अब देखें फ्रेंड्स आपके सामने जिसको ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड हो चुका है, आप यहाँ पर इसकी डेट भी देख सकते हैं 16 अगस्त 2019 को यहाँ पर ये जारी किया गया है, और यहाँ पर इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर भी आप देख सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आपको यहाँ पर इसी में सबसे नीचे डाउन आ जाना है। अब देखें फ्रेंड्स आपके सामने जो उसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो आ चुका है, आपको यहाँ पर एक फोटो लगाना है और यहाँ पर इसको स्टेप बाय स्टेप आपको फिल कर लेना है। अगर आपको वो वीडियो देखना है किस प्रकार से आपको अपना आवेदन फिल करना है, उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एक बार आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आपका कोई क्वेश्चन है तो वीडियो कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं जरूर रिप्लाई कर दूंगा। और अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।